भारत में ऐसे अनेकों स्ट्रीट फूड हैं जिनका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। स्ट्रीट फूड ऐसे हैं कि बार बार खाने पर भी इनसे मन नहीं भरता और इन स्ट्रीट फूड को गली के नुक्कड़ पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर खाने में इनका जो स्वाद है वो दोगुना हो जाता है। और आज इसी स्वाद को चखाएंगे हमारे विदेशी मेहमानों को, क्योंकि मेरे घर आ रही है मेरी एक विदेशी मेहमान जिन्हें हम खिलाएंगे खूब चटपटे मुंह में पानी आ जाने वाले गोलगप्पे और साथ में देंगे उन्हें स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे। सफाई हो गई, कितनी बाकी रह गई? बहुत काम बाकी रह गया। ये तो टेबल तो साफ हो गई। क्या काम बाकी रह गया? अब दो साफ करना बाकी रह गए। दो साफ करना। इतना काम करवा रही है रुचिका तुम इसे? और इसको भी लगता है ना, जब कोई आने वाला होता है तो इसको भी लगता है कि नहीं मम्मा सफाई कर रही है, मैं भी शुरू हो जाऊं। छुट्टी का दिन तो आज हमें क्या टेस्टी मिल रहा है खाने के लिए? आज बनने वाला है कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और साथ में अव्यान को बहुत पसंद है। तो अव्यान से पूछते अव्यान अव्यान आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? छोले भटूरे। तो आज बनने वाले हैं छोले भटूरे और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे फॉरेनर दोस्तों के लिए भी, क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे घर फॉरेनर फ्रेंड और जिन्हें कुछ अच्छा सा कुछ ऐसा जायका मैं देना चाह रही थी जो स्पाइसी भी हो और बहुत फेमस भी हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोले भटूरे बनाए जाए आज के दिन। और जैसे छोले भटूरे मिलते हैं ना आपको जब आप बाजार जाते हैं छोले भटूरे खाने, बिल्कुल वैसा ही जायका वैसा ही स्वाद आएगा आज के हमारे छोले भटूरों में। और इसीलिए यहाँ मैं छोले पहले से ही उबाल चुकी हूँ, यहाँ पर देखिए, जिसमें मैंने सारे ड्राई मसाले जो थे वो डाल दिए हैं। ये इसमें अदरक, ये बड़ी इलायची और भी बहुत सारे इसमें मसाले पड़े हुए हैं। गाजर वाला अचार होता है ना, उसके बिना फिर मजा नहीं आता रुचिका। तो फिर कैसी बात कर रही तुमने, बोला और ये हो ना हो। देखो ये हमारा है गाजर और मिर्च का इंस्टेंट अचार जो मैंने बनाया था कल रात में। ओह वेरी गुड। साथ में वो सारी चीजें रहेंगी जो हमारी छोले भटूरे की प्लेट में होती है, तो वो स्वाद भी मिलेगा, वो चटनी भी बनेगी, वो अचार भी बन चुका है, छोले भी वैसे ही बनेंगे, भटूरे भी वैसे ही बनेंगे। तो बाकी बस आगे आप वीडियो देखते रहिए। स्पाइसी छोले भटूरों की बात है तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हारे स्पाइसी छोले भटूरे, तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे कहाँ तुमने खाए हैं, तुम्हें पसंद है? मैं सही बताऊँ, मुझे ना जो बाजारों में मिलते हैं ना वो वाले छोले भटूरे बहुत पसंद है। अभी बता देता हूँ मुझे भी कहाँ के पसंद है। आज मैं वो कैमरे में ले लेती हूँ। मैंने ना कैमरा तुम्हारी तरफ कर दिया क्योंकि काफी बार लोग बोलते हैं कि वो भाई साहब ना बोलते ही रह जाते हैं और आप उनको कैमरे में नहीं लाते। छोले भटूरे अगर याद आते हैं तो लालबाग, लखनऊ का लालबाग, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ तो लखनऊ में लालबाग के छोले भटूरे, चौक के छोले भटूरे याद है। मैं अपने पापा के साथ जाया करता था, हम लोग जब अभी लखनऊ गए थे तो मैं तुम लोगों को लेके भी गया था कि देखो तुम इधर के छोले भटूरे खाओ, लेकिन तब तक पेट फुल हो चुका था तो हम लोग पैक करके लेके आए थे और सब छोले भटूरे। तो यहाँ बातों बातों में पता ही नहीं चला कितना टाइम निकल गया और मुझे लगा कि खाना भी बनाना है, तो यहाँ मैंने छोले बनाने शुरू कर दिए हैं जिनमें मैं ऊपर से ड्राई मसाले डाल रही हूँ। एकदम इसको मैंने डाल दिया, ये इसके लिए जाएगा इस तरीके से, गार्लिक जाएगा इसके अंदर। यहाँ मैं मैदा मल के रख रही हूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए जब तक भटूरे बने। और जो सूखे मसाले मैंने छोलों में डाले थे वो छोलों से इस तरह लिपट गए हैं कि हर एक छोले के दाने में जायकेदार स्वाद आएगा। और यहाँ जो छोलों को उबालते समय जो पानी होता है वो मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके इसमें डाल रही हूँ। यहाँ हम लगा रहे हैं तड़का जिसमें हमने गार्लिक जो कूटा था, मिर्च और साथ में जिंजर। तो इस तड़के में बसी है इस छोले की जान। और यहाँ मैं बना रही हूँ जीरे और धनिए वाले चटपटे आलू। और यहाँ धनिया और काट लिया गया है क्योंकि बनने वाली है चटनी और साथ में गोलगप्पे का पानी। बढ़िया सी चटनी बन जाएगी और दही बाद में मिलाऊंगी। अच्छा बाद में, एक बार इसको पीस लेते हैं उसके बाद दही एक चम्मच मिलाएंगे, क्योंकि अगर साथ में मिला देते ना तो वो हो जाती है बहुत लिक्विड ही बनती है, कड़ी नहीं बनती चटनी। इधर क्या हो रहा है? बस ये रायता तैयार हो रहा है। तो छोले भटूरे के साथ मैं बूंदी का रायता भी तैयार कर रही हूँ और मैंने सोचा लगे हाथ जल्दी से गोलगप्पे भी फ्राई कर लिए जाए क्योंकि अब मेरे गेस्ट के आने का टाइम हो गया है। Nice to meet you. Hey. Here you go.
बढ़िया अव्यान ने दिया क्रिस्टीन को एक छोटा सा कार्ड बनाकर, जिसे देखकर क्रिस्टीन काफी ज्यादा खुश हो गई। अदरक वाली चाय की खुशबू सूंघते ही क्रिस्टीन सीधे हमारी किचन में खिंची चली आई और पूछने लगी कि क्या बन रहा है। और साथ में उसकी नज़र जैसे ही खाने पर पड़ी, चटनी रखी थी, गोलगप्पे का पानी रखा था, तो बस पूछने लगी कि ये सब क्या, और काफी एक्साइटेड हो गई। क्रिस्टीन ने मुझे बोला कि उनके यहाँ ऐसा कल्चर है कि पहले जो होस्ट होता है वो खाता है और उसके बाद जो गेस्ट आते हैं वो चखते हैं। ट्रस्ट लेके और बारीकी से क्रिस्टीन मुझसे खाने के बारे में पूछ रही थी, उतना ही मजा मुझे उसे खाने की बारीकियाँ बताने में आ रहा था। यहाँ क्रिस्टीन अपना फोन लेने गई है फोटोज खींचने के लिए, कि जहाँ एक तरफ हम विदेशी कैफे में बैठकर इंस्टा पर पोस्ट डालते हैं, या वहाँ विदेशी हमारे भारत के खाने की फोटोज खींच रहे हैं। सारा प्रिपेयर हो चुका है और यहाँ पर हमारे छोले रेडी हैं, आप देख सकते हैं। रायता रेडी है, ये जो मैंने यहाँ पर मसाले वाले फ्राइड आलू बनाए थे वो, गाजर और मिर्ची का अचार यहाँ पर रेडी है, चटनी हमारी रेडी है, ये है रेडी हमारे पापड़। और क्योंकि क्रिस्टीन को काफ़ी स्पाइसी पसंद है, सोचा कि स्नैक्स में उसे गोलगप्पे खिलाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जो इंडिया का स्ट्रीट फूड है ना, ये सबसे स्पाइसी होता है, मतलब। और ये तो जो लोगों को स्पाइसी फूड पसंद है उनको ये खिलाना बनता है। तो यहाँ हमने बना लिए हैं हमारे गोलगप्पे, और ये देखिए गोलगप्पे का पानी, और यहाँ हमारे रेडी है ये देखिए बॉयल पटेटो, और साथ में हमारी वही जो आपकी इमली की चटनी होती है वो, तो सब कुछ रेडी है। और क्रिस्टीन भी वहाँ पर हमारा वेट कर रही है, तो चलिए गोलगप्पे खिलाते हैं सबसे पहले। यहाँ आ गए हमारे गोलगप्पे और अब खिलाते हैं क्रिस्टीन को गोलगप्पे। I mean, Ruchika, I would say first you try and she will follow you. Yes. How we do it? Mm-hmm. This is the golgappa. Uh-huh. You just make a put some whatever, like how much. Yeah. This is the tamarind sweet chutney. Yeah. So we can take this up. Wait for that. And then I have a bowl. Mm-hmm. You can fill this water. One bite. यहाँ मैं बन गई हूँ गोलगप्पे वाले भैया, और पहले तो मैंने खुद ही गोलगप्पा चख लिया, और अब खिलाते हैं क्रिस्टीन को और देखते हैं कि कैसा लगता है। That's amazing. So good. Good. I love the flavors. It's so amazing with the blend of flavors, but it's so like light and juicy. Steen ने कहा कि एक स्नैक में इतने सारे फ्लेवर्स कैसे हो सकते हैं? Spice is really good too. गप्पे के बाद अलग से पानी पीने का मजा ही अलग है। Steen try कर रही है without मीठी चटनी, देखते हैं कैसा लगता है। Okay, golgappas, golgappas, pani puri. और ये होता है हमारे यहाँ के गोलगप्पे का स्वाद, कि जी भरता ही नहीं है, जितने खाते जाओ उतने ही कम पड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम सब मिलकर अब गोलगप्पे खा रहे हैं। गोलगप्पे हो गए और अब यहाँ मैंने बनाने शुरू कर दिए थे भटूरे। These are भटूरे। भटूरा। Because I parinduri. भटूरे। Parinduri. Say it slow. भटूरे। भटूरे। I mean, if you can say chole bhature. Chole bhature. Chole bhature. Yes. Chole bhature. So we are making chole bhature, and chole is there. Okay. And these are bhatures. Okay. Oh, yes. I see. So like, which is the chole? Is it the? Yeah, this is chole. Is the chole. Okay. And these are the bhatures. Okay. Yes. So like this, we fry it. Spicy potatoes. Okay.
coriander chutney. So how we eat it? Then I add a little chutney, right? Yeah. Like that? Yes. Okay. And then you can have. Mm-hmm. That's delicious. These are delicious. And that's good, and the chutney's good. Rishika? I'm so glad you're in my class. क्रिस्टीन ने पहला निवाला खाते ही मुझे गले से लगाया और थैंक यू बोला कि मैंने उसे इनवाइट किया. You can try this lime pickle also and then papad. Okay. And yeah. Papad. I mean the papad, yes. She. I mean maybe you can try papad with the chutney. The chutney. Okay. Shoving in. I'm never leaving. क्रिस्टीन ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहने वाली हूँ. No. Uh-huh. Okay. No, it's really refreshing. Okay. I don't think it's not too hot at all. It's really. Okay. You know, like everything else, it's such a nice blend of spices and combination of flavors, and they all interact really well together. अब बातें करते करते हम सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे. So हमारा खाना हो चुका है और खूब सारी बातें भी हो गई हैं हमारी. हम लोगों ने सबने खाना नहीं खा लिया. अब एक बार क्रिस्टीन से पूछ लेते हैं कि क्रिस्टीन को खाना जो है वो कैसा लगा है. How did you like the food? It was delicious. Thank you so much. Delicious. I know your husband contributed too, so thank you. It was so special too to know some of the techniques and the flavors and that this is a traditional street food dish. That was really interesting to know. Yes. It was just so good. All of it. I think the only reason I didn't eat anymore is because I need more space in my stomach. It's just a wonderful kind of explosion of flavor in your mouth when you put the whole thing in and you bite into it all at once. That was wonderful. Thank you. Okay, thank you so much. Okay. आपने वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो पहले तो ये बताइए मुझे. और बाकी आज की जो हमारी गेस्ट थी वो थी क्रिस्टीन. और क्रिस्टीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही थी कि क्रिस्टीन है US की रहने वाली और थोड़े टाइम के लिए वो इंडिया में भी रह चुकी है. और इंडिया में रही है वो पौंडीचेरी में. उसको मालूम था, आइडिया था कि इंडियन फूड कैसा होता है और इंडियन फूड उसको बहुत शौक भी है इंडियन फूड खाने का. और इसीलिए उसने मुझसे कहा कि वो आना चाहती है और साथ में वो आना चाहती थी अपनी फैमिली के साथ. लेकिन कुछ वजहों से उसकी फैमिली नहीं आ पाई तो उसने कहा कि मैं नहीं रुक पाऊँगी, मैं तो भैया आ रही हूँ तुम्हारे यहाँ पर. तो मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम और इसीलिए वो आई. और क्योंकि वो साउथ इंडिया में रही थी, उसने साउथ इंडियन फूड टेस्ट किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह के गेस्ट के लिए हम नॉर्थ इंडियन फूड बनाएं और उनको वो स्ट्रीट फूड चखाएं जो उन्होंने कभी ना चखा हो. अब बात करते हैं थोड़ी से गोलगप्पे वगैरह की. जब उसने गोलगप्पे खाया ना, तो गोलगप्पे पहले तो देखते ही उसने बोला कि मैं इंडिया में रही हूँ लेकिन ये गोलगप्पा क्या है, मैंने कभी देखा ही नहीं. तो मैंने कहा कि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे भारत में जितनी भी जगह हैं, जितने स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, खानों की इतनी वेराइटीज़ हैं कि आप जिस शहर, जिस गली, जिस मोहल्ला चले जाओ, आपको एकदम नया खाना, नए तरीके का फूड मिलेगा. आपको बताया कि गोलगप्पे जो हैं, गोलगप्पे दिल्ली में दूसरी तरीके से खाए जाते हैं. मुंबई आप जाएंगे, पानीपुरी कहा जाएगा, दूसरे तरीके से खाया जाएगा. अगर आप कोलकाता चले जाएंगे तो उसे पुचका कहा जाएगा. अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो दूसरी तरीके के गोलगप्पे मिलते हैं और उसमें जो स्वाद होता है वो भी बड़ा बड़ा असर डालता है एक्चुअली स्वाद का भी. क्योंकि दिल्ली में जो पानी होता है वो दूसरे तरीके का पानी बनता है, लखनऊ में पानी दूसरे तरीके का मिलता है, कहीं पर इमली का पानी मिलेगा, कहीं पर पुदीने का पानी. मैंने उसको यही बताया कि हमारे जो खाने की इतनी वेराइटीज़ हैं, इतनी विविधता है हमारे भारत के खाने में कि हर जगह आपको खाना अलग ही मिलेगा और इसीलिए इसे खाने का एक अलग ही मज़ा है. और वाकई में उसको बहुत खाना अच्छा लगा. आपने भी वीडियो में देखा वो बहुत चाव के साथ खाना खा रही थी. वो जब खाना खा रही थी तो खाना खाते खाते ही बोल रही थी कि शायद मेरी बेटी और बेटा भी आ गया होता तो बहुत अच्छा रहता, उनको भी ये खाना, इतना मज़ेदार खाना खाने को मिलता. तो ये अच्छा लगता है ऐसा सुन के. आप भी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि आपके जब फॉरेन फ्रेंड्स आया करें ना तो हमको गोलगप्पे ज़रूर खिलाया करिए. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको, क्योंकि जिनको स्पाइसी फूड पसंद है उनको गोलगप्पे खिलाए जाए. और इसलिए मैंने गोलगप्पे रखे, साथ में छोले भटूरे रखे. उसका भी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैंने क्यों रखे.
और ऐसे ही आप लोग अच्छे अच्छे सजेशन मुझे देते रहिए, और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं इंडिया जाऊँगी और कब जाकर वहाँ पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाऊँगी। जहाँ जहाँ घूमूंगी वहाँ वहाँ का स्ट्रीट फूड खाऊँगी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा स्ट्रीट फूड खाऊँ इंडिया जाऊँ। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर तो काफ़ी ठंड हो गई और आप देख रहे हो बाहर कोट पहन के आई हूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। और अगली वीडियो के इंतज़ार में नमस्कार।